वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड कंट्री है, ये बात तो हम सब पहले से ही जानते हैं। जापान के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, जापान के टेक्नोलॉजी को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, फूड को, हाउसिंग को हमने अलग अलग वीडियोस से या फिर अलग अलग तरह से जाना हुआ है। लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू मैं जापान के हॉस्टल्स और फूड के बारे में आपको वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल ही एकदम जापान को जाके ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और जैसे पार्टी, फन, आपस में हंसते हंसते किस तरह से फूड एंजॉय करते हैं लोग, और अलग अलग डिशेस के नाम क्या होते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसके साथ साथ फूड को किस तरह से परचेजिंग की जा सकती है, किस तरह से मॉल्स का सिस्टम होता है, किस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और फाइनली जब हम वीडियो के हाफ या एंड तक पहुंचेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जापान में एक कॉमन शेयर हाउस यूजुअली ऑन एन एवरेज हॉस्टल्स के अंदर किस तरह का होता है, उसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं, उसके अंदर जैसे वॉशिंग मशीन, बाथ एरिया, किचन के अंदर जो यूटेंसिल्स हैं, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, लिविंग रूम के अंदर जो टीवीज हैं, एयर कंडीशन हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, इन सब की क्या क्या सिचुएशन होती है, किस किस तरह से स्टूडेंट्स को यूज़ करने को मिलता है, हमें किस तरह से जापान में एक ऐसी लिविंग को बिताना है, या फिर हम किस तरह से ऐसी लिविंग बिता सकते हैं जिसके अंदर हम कॉस्ट इफेक्टिव लिविंग की भी बात कर सकते हैं और पूरी तरह से एंजॉयमेंट की भी बात कर सकते हैं। जिस तरह से जापान में आप वीडियोस वगैरह या अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं कि फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फूड यूजुअली जापान में इम्पोर्ट होता है, और इम्पोर्ट में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं अगर उनसे ज़रा सा भी स्टैंडर्ड्स को नीचे माना जाता है तो वो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट वापस कर दिया जाता है। ये भी आप नेट पर इस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं, चाहे जापान में अल्कोहल की बात करें, बियर, विस्की, वाइन, इन सब की जो भी चीज़ आप देखें, चाहे वो मिल्क हो, मिल्क या फिर कॉफ़ी हो या फिर जूस हो या फिर टी हो, उसके अनगिनत वैरायटी, अनगिनत टाइप्स ऑफ चीज़ें, मतलब चीज़ों को हम देख सकते हैं, वैरायटी बहुत अच्छी होती है। सो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है लवि, लेट्स स्टार्ट। आज हम आए हैं रामेन खाने। रामेन होता है नूडल्स जिसको कहते हैं, मतलब सोबा, रामेन, उदोन, इन तीनों को नूडल्स कह सकते हैं, लेकिन रामेन जो होता है वो सबसे स्पेसिफिक, सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा हेल्दी भी है ये, क्योंकि देखिए आप इसमें देख सकते हैं ये वेजिटेबल रामेन है, ये ग्रिल्ड वेजिटेबल और मोयाशी यानी कि सी वीड्स का मिक्स है, और ये है ग्योज़ा, इसको कहते हैं ग्योज़ा, देखने में मोमोज जैसा लगता है, होता भी मोमोज जैसा है। तो और भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे ऑथेंटिक जापनीज़ फूड हम खाने वाले हैं। सबसे पहले ये है ओचा, ओचा ना होकर के इसका असली नाम है ओरोंचा, क्योंकि ओचा ग्रीन होती है, ये ब्राउन होती है, इसको कहते हैं ओरोंचा। ये होता है ओशिबोरी, वेट टिश्यू कह सकते हैं इसको, और स्टार्ट करने से पहले ये दो चीज़ें सर्व की जाती हैं। ऑलराइट, जापनीज़ फूड इज़ बेसिकली गोहान तो मिसोशिरो। हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं जापनीज़ रेस्टोरेंट में। जापनीज़ ट्रेडिशनल फूड यहाँ पर बहुत टेस्टी मिलता है, और जैसे कि आज की जो डिश है इसको कहते हैं ज़ारू सोबा, बेसिकली ज़ारू सोबा कहते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया है तेन ज़ारू सोबा। सोबा होता है बकवीट नूडल्स जो कि वीट से बनता है, इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर का है इसको नोरी कहते हैं, और ये जो लिक्विड है ये शोयू का जैसा टेस्ट है, ये पोन्ज है, पोन्ज जो होता है वो इनारी जुशी या फिर टेम्पुरा वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो इसको मैं खाता हूँ वासाबी मिक्स करके, वासाबी और नेगी मिक्स करके। ये है ओनिगिरी, ओनिगिरी एक राइस बॉल कह सकते हैं, और साथ के साथ इसमें और भी चीज़ें होती हैं। राइस बॉल के अंदर जो होता है वो प्लम पिकल, मतलब ये वाली जो ओनिगिरी है वो प्लम वाली ओनिगिरी है, प्लम मतलब आलू बुखारे का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, और ये जो बाहर आपको काला काला हरा हरा दिख रहा है इसको नोरी कहते हैं, ये सी वीड होता है, समुद्र में पौधे वगैरह होते हैं उससे बनता है सी वीड, और ये मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, आप भी खाएंगे तो शुरू में आपको बहुत अजीब लगेगा, इसमें फ़िश जैसा टेस्ट आएगा, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और चलिए इसको खोलने का तरीका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ऊपर से इस तरह से
इस तरह से ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि आपके पास चॉइस है, बिना नोरी के भी खा सकते हैं, बिना नोरी के भी खा सकते हैं और नोरी के साथ भी खा सकते हैं। अभी कैमरे के साथ कैमरा पकड़ के इसको खाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो मैं अभी इसको खाता हूँ। देखिए इसके जो बीच में है ये प्लम का पिकल है और बीच में है राइस और चारों तरफ है नोरी। ऑलराइट, तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये है नाबेयाकी। ये जो है एक स्पेशल डिश है जिसको इस नाबे के अंदर डालते हैं, चुत नमाय वासा रहता के दो चान चान याकी देस। ओके, अब मेरे फ्रेंड्स आपको ये डाल के दिखाएंगे जिसमें नाबे रियोरी के अंदर इस चीज़ को डाला जाता है और एक स्पेशल तरीके से इसको डालते हैं। शियो 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 रेते कुदासाई अनेगा शिमास खाओ मिसे ते कुदासाई ने। ओके ओके करे तो खुबे चना काव दा कारा ने। एक जापानीज हॉस्टल एक शेयर हाउस के वीडियो को बनाएंगे जिसमें मैं आपको ये दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे स्टूडेंट्स कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और साथ में शेयर हाउस या फिर हॉस्टल या फिर अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो उनमें किस किस तरह की सिचुएशंस होती हैं, किस किस तरह के रूम्स होते हैं, कैसे फैसिलिटीज़ होती हैं। ये जो जगह है ये एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस में जैसे अगर हम एक बारी नीचे देखें तो शूज़ को लाइनअप करके रखना होता है और ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये शूज़ के रैक होते हैं आपके अपने रूम नंबर के हिसाब से, जैसे ये 211 212 इस तरह से शूज़ आपको रखने होते हैं और इन स्लीपर्स में इरेकाय करना होता है। इन स्लीपर्स को कहते हैं होम सिरिप्पा, तो होम सिरिप्पा में आपको चेंज करना होता है। तो चलिए आइए अंदर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक कॉमन शेयर्ड स्पेस जिसको कहते हैं हॉल, इसको गेंकान कहते हैं। और ये जो हॉल है इसमें ये जो बोर्ड है इस पर आप कुछ लिख सकते हैं, किसी से कुछ पूछ सकते हैं। यहाँ पर कॉमन शेयर्ड स्पेस है अपने सामान को रखने का। ये जगह है आराम से बैठ के लेजरली टाइम स्पेंड करने के लिए। ऊपर एसी होता है और भी छोटी छोटी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि फ्री इंटरनेट फैसिलिटी होती है। और ये जो है ये एक तरह से लिविंग एरिया कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप टीवी को एंजॉय कर सकते हैं कभी भी 24 आवर्स। यहाँ पर जैसे अभी रात के लगभग 12 बजे हुए हैं तो थोड़ा लाइट्स वगैरह ऑफ हैं, तो मैं एक बारी लाइट्स ऑन कर देता हूँ। और अब हम जो जगह देखने वाले हैं वो है किचन। तो आइए किचन में किस किस तरह की फैसिलिटीज़ यूजुअली स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से शुरू करें तो अपने अलग अलग बॉक्सेस हैं। इनमें भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं ये शोयू होते हैं और इसमें वासाबी वगैरह ऑयल वगैरह ये फैसिलिटी हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड हो जाती है, जैसे कि ये स्पाइसेस वगैरह जापान के। और ये माइक्रोवेव ओवन है, आई थिंक ये तो सभी को पता होगा इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। इसको सुई हंकी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक राइस कुकर में आप चावल बॉईल कर सकते हैं। ये भी हॉस्टल की तरफ से शेयर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं। इसी तरह से यूटेंसिल्स वगैरह जो होते हैं ये स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ओहाशी, तो इसके अंदर है हाशी। यहाँ पर लिखा है फोक, ये है स्पून, ये नाइफ। जापान में अपना काम खुद ही करने का ऑब्वियसली कल्चर होता है, तो यहाँ पर सबको अपने बर्तन खुद मांजने होते हैं, खुद साफ करके उनको रखना होता है। ये वाइप करने के लिए कपड़ा है, यूटेंसिल्स को वाइप करके यूटेंसिल्स को अपनी ही जगह पर रखना होता है। अंदर और भी फैसिलिटीज़ शेयर्ड स्पेस में आपको मिलती हैं, जैसे कि स्प्रेज वगैरह मिलते हैं, जो पैन्स होते हैं ये ओसारा या चवान जिसको कहते हैं, ये पैन्स। जापान में
कूड़े को डिवाइड करके फेंकने का कल्चर होता है। जैसे कि ये जो बॉक्स है ये मोइरुगोमी का बॉक्स है और वो जो बॉक्स है ये मोइनाईगोमी का बॉक्स है। ये गैस जलाने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम होता है। जैसे अगर आप इसको एक मिनट ऑन करके रखेंगे तो इस तरह से गैस जलती है और इसको इसी तरह से ऑफ किया जाता है। अपने सामान को अच्छी तरह से सेरी करना यानी कि अपनी अपनी जगह पर लगाना भी एक जापान के लिविंग कल्चर के अंदर आता है। जैसे कि ये जो फ्रिज है ये भी शेयर्ड स्पेस में हॉस्टल की तरफ से मिले हैं, तो इनमें भी आपको जैसे अगर सामान रखना है तो आपको जैसे 211 बॉक्स है तो उसी के अंदर वो सामान रहेगा, और अलग से जो जगह है वो भी स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं मिल्क वगैरह जूस वगैरह को रखने के लिए। जैसे ये मिल्क का टेट्रा पैक होता है। ये हर जगह अवेलेबल होता है, जैसे कि कॉम्बिनी है, फैमिली मार्ट है, लॉसन है, 7-Eleven है, तो वहाँ पर आपको 24/7 ये छोटी छोटी जितनी भी सेकाज की चीज़ें होती है, स्लीपर से लेकर मिल्क, फूड आइटम, गेम्स वगैरह, इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है। इस तरह से अंदर एक स्टोर रूम है, इसमें इसमें भी रूम्स की तरह बॉक्सेस बने हैं और बॉक्सेस के अंदर आप अपना अपना इंडिविजुअल सामान भी संभाल के रख सकते हैं, जो कि और कोई यूज़ ना करे, सिर्फ आपको ही यूज़ करना वो सामान आप इसमें रख सकते हैं। चले भाई एक बारी फिर से लिविंग स्पेस की तरफ जाते हैं, देखते हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। क्योकाशो यानी कि स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आप इसको बैठ के पढ़ सकते हैं। ये गेम्स हैं, इन गेम्स को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं बाथरूम का क्या क्या की क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि इसी तरह से बाथरूम में भी अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं, आप इन बॉक्सेस में अपना खुद का सामान रख के यहाँ पे रख सकते हैं। और ये हेयर ड्रायर है, और ये जो वॉश बेसिन है इनको सेन मैन जो बोलते हैं, इसमें जैसे ब्रश करना, मुंह धोना, ये सब। और जो वॉशिंग मशीन है ये भी हॉस्टल की तरफ से है, जिसमें आप अपने कपड़े को धो भी सकते हैं, सुखा भी सकते हैं, और ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। इसमें बस कपड़े डाल के, पानी डाल के, डिटर्जेंट डाल के बटन्स दबाने होते हैं और बाकी सारा काम वॉशिंग मशीन खुद करती है, धोना सुखाना, और उसके बाद ऊपर टेरेस पर उसको आप और अच्छी तरह से सुखा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ओफुरो यानी कि बाथरूम की बात करें तो एक ऑर्डिनरी कॉमन ओफुरो की सिचुएशन इस तरह से होती है कि इस जैसे ये टब है, इसके अंदर आप पानी भर के भी नहा सकते हैं या फिर शावर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हॉट वाटर और वार्म वाटर, मतलब हॉट वाटर और कोल्ड वाटर एवरी टाइम अवेलेबल रहता है। तो ये थी एक ब्रीफ, एक शॉर्ट स्टोरी एक शेयर हॉस्टल की, जो कि जापान में कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स को यूजुअली ऑन एन एवरेज इसी तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। ऑन एन एवरेज मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एक बार ये बताऊं कि किस तरह से आपकी लिविंग जो है वो एक प्लान्ड वे में आप बिता सकते हैं जापान में स्कूल में एडमिशन लेने के बाद, और साथ साथ आप बाइटो और स्कूल के करिकुलम से अपनी लैंग्वेज को बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।